हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आप आज हम आपको इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने सैबाइन का नियम और प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताई थी। आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत और एम्पियर का नियम। ये 5-5 मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जैसा कि देखो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु भी कहते हैं इसे। तो ये 5 मार्क्स का आएगा, अच्छे से इसे समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, एक ऐसा आप डायग्राम बना लेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का। यहाँ पे आपका ए बी सी डी ये हो गए आपके रजिस्टेंस हैं, 4 पी क्यू आर ये सॉरी आर एस, और करंट फ्लो हो रही है आई, यहाँ से I1 I2 ठीक। यहाँ पहली कुंजी K1 स्विच और दूसरी कुंजी यह स्विच K2 है। तो आइए समझा देते हैं काम कैसे करेगा। एक विट इसमें 4 प्रतिरोध यानी 4 रजिस्टेंट है, पी क्यू आर एस जैसा कि हमने आपको बता दिया। और ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी जैसा कि आप देखो। और इसमें एक विकर्ण बी डी है, देख पा रहे हैं आप। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें कुंजी K1 K2 इसी प्रकार आप लिखेंगे भी स्ट्रक्चर में। अब ये काम कैसे करता है हम आपको समझ, जब बैटरी को इसको जोड़ते हैं बैटरी से, अब बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट जब निकलती है A1 सिरे पहुंचती है, तो करंट यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2। और जब करंट I1 P सिरे से आगे बढ़ती है, P रजिस्टेंस से, तो ये B का विभव A से कम हो जाता है। इसी प्रकार करंट जब I2 इधर से बढ़ेगी D से A सिरे से D की तरफ, तो D का विभव A से कम हो जाएगा ठीक। इसी प्रकार जब करंट सोर्स यहाँ डी से ओ सॉरी करंट कुंजी के टू को हम दबाएंगे, इसके बाद कुंजी के टू को अगर हम दबाएंगे तो गैल्वेनोमीटर ऑन हो जाता है और एक इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण करंट विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो फाइनली इसमें क्या करना है, फिर इसके बाद हम अगर कहें इसको हम पी क्यू आर एस जो रजिस्टेंस, इसको इस प्रकार समायोजित कर दें, यानी इस प्रकार ऐसी कंडीशन बना दे कि करंट एक दूसरे के विपरीत दिशा में ना समान दिशा में बहने लगे, तो ये ब्रिज स्टोन्स की जो होगी वो सेटिस्फाई कंडीशन होगी, यानी समान स्थिति होगी। यही व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। तो आप डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा वहाँ पे, और एक डायग्राम ये भी बना दीजिए क्या है कि जब अभी हमने समझाया कि बी और डी ग्रेटर, यहाँ बी ग्रेटर है डी स्मॉल है, तो ये डायग्राम बनेगा। और जब V स्मॉल होगा D ग्रेटर होगा, तो ये डायग्राम बने ठीक। स्ट्रक्चर कैसे लिखना है आपको, वही जो आपको समझाया, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर ABCD चतुर्भुज बनाते हैं। अभी देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ के चतुर्भुज बनाया, सेम वही आगे देखें। तो आगे देखिए विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 को जोड़ते हैं, दूसरे विकर्ण AC में एक सेल तथा बैटरी तथा कुंजी K1 को जोड़ते हैं। बैटरी से होकर जाने वाली धारा I 2 भागों में I1 I2 में बढ़ जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया। आगे धारा I1 प्रतिरोध P से होकर जाती है, तो विभव B गिरता है, अर्थात बिंदु B का विभव A से कम हो जाता है। इसी प्रकार I2 प्रतिरोध जैसा कि अभी R से गुजरता है और D का विभव A से कम हो जाता है। फिर कुंजी K2 को दबाते हैं, बी से डी में धारा बहेगी तथा धारा में विक्षेप आ जाएगा, विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यदि डी का विभव बी से अधिक है तो कुंजी K2 दबाते ही धारा बी से डी की ओर जाएगी, कहने का मतलब धारा मापी में विक्षेप विपरीत दिशा में आ जाएगा। अब यदि पी क्यू आर एस इस प्रकार समांजित किए जाएँ कि बी तथा डी के विभव समान हो जाएँ, तो कुंजी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा ठीक है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होगा। ब्रिज की इस स्थिति को संतुलित कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संतुलित स्थिति कहा जाता है। अतः बी तथा डी में मध्य विभवांतर शून्य होगा, तो वी इज टू डी, वी बराबर डी हो जाएगा। तो ओम का नियम हम लगाएंगे, अब प्रूफ करते हैं ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर IR। तो हम इस वी स्टोन सेतु की कंडीशन को प्रूफ भी करते हैं। तो पहला ले लेंगे VA - VB बराबर I1, नहीं समझ आ रहा आपको, ये देख लीजिए ये I1 लिखा हुआ है, I1P बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे,
फिर इसी प्रकार यहाँ देख पा रहे हैं वी ए माइनस वी डी आई टू आर, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए समीकरण दो, वी बी माइनस वी सी आई वन क्यू समीकरण तीन मान लेंगे, वी डी माइनस वी सी बराबर आई टू एस समीकरण चार मान लेंगे। अब समीकरण एक और दो, ये दो और आपका समीकरण ये एक, इन दोनों को बराबर कर देंगे। कैसे देख लीजिए, तो आई समीकरण एक से आई वन पी आ गया, समीकरण दो से आपका आई टू आर आ गया, तो ये समीकरण पाँच मान लीजिए, या फिर नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार समीकरण आपका तीन और चार, तीन और चार से क्या होगा, तीन और चार से आई वन क्यू बराबर आई टू एस हो जाएगा। ये वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई, तो यही वीट स्टोन के कंडीशन की स्थिति है। अब यहाँ पे कैसे आप समझेंगे, ये देखिए, अगर अगर आप इसको आई वन को हम आपको दिखा देते हैं, अब यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं आई वन पी आई टू आर आया है, तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई वन अपॉन आई टू और पी अपॉन आर, ये स्टोन ब्रिज की कंडीशन ही होती है, ये स्टोन ब्रिज की कंडीशन ही होती है। तो फिर चाहे ऐसे आप लिख दीजिए चाहे ऐसे, तो बात एक ही है, देख पा रहे हैं आप, ये वीट स्टोन की कंडीशन आ गई, यही आपका वीट। अब यहाँ पे आप एक लाइन नीचे लिखेंगे, यही वीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था है। नोट क्या लिख देंगे, नोट, शुद्ध मापन की न्यूनतम सीमा एक से पाँच ओम के लगभग होती है। तो ये था आपका वीट स्टोन ब्रिज, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, पाँच नंबर में बोर्ड में पूछा जाएगा। अब आइए चलते अगले टॉपिक की तरफ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एम्पियर का नियम या परिपथ का नियम के नाम से भी ये आएगा बोर्ड में, ये एम्पियर या परिपथ के नियम से आ सकता है, तो आप दोनों नाम याद रख लीजिए, पाँच नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कैसे लिखना है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का रेखा समाकलन उस बंद परिपथ से बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बस इतना लिखना आपको और ये फॉर्मूला लिख देना, बंद परिपथ ही देखिए क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है ना, ये देखिए चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी इंटू डी एल का रेखा समाकलन, ये रेखा समाकलन हुआ, परिपथ से बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, कितना म्यू नॉट गुना होता है, तो ये म्यू नॉट और धारा यानी आई, बस जो हमने बोला वही यहाँ लिख दिया। तो आइए आगे चलते हैं, अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इंग्लिश में यही लिखिए, हिंदी में आपकी हो जाएगी आप निर्वात में चुंबकशीलता। तो ये एक डायग्राम बना दीजिएगा, ये आपको सेंटर सी, ये रेडियस हो जाएगी, ये ओ, और यहाँ से आपका ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल डेल्टा एल लंबाई, ये आई करंट हो गया, बस ज़्यादा नहीं, छोटा सा डायग्राम। आगे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा माना एक सीधा धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे इसमें, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट टू आई अपॉन फोर पाई आर। तब यहाँ लिखेंगे माना धारावाही चालक के चारों ओर सी सी को केंद्र मानकर, जो हमने डायग्राम बना वही लिखा है, सी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्या आर है, जो डायग्राम हम लिख रहे हैं वही बस लिखना है आपको, एक हमने धारावाही चालक को केंद्र मानकर सी का वृत्त खींचा और त्रिज्या आर मानी थी उसमें, तो आर त्रिज्या मान लीजिए बस। माना वृत्त के केंद्र बिंदु ओ पर एक भाग डी एल लंबाई का है, जैसा कि आपने देखा था एक भाग डी एल लंबाई का था, वही डी एल लिख दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है और उसमें दिशा जो है समान, तो जैसा कि दिशा समान है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन बंद पास जिसे हिंदी में, वेक्टर बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा लगा देंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बी डी एल डॉट कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पर हम जीरो रखेंगे तो जीरो डिग्री रख देंगे, तो जब जीरो कॉस थीटा की, कॉस थीटा यानी कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो वन आ गया, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल यही आपका आ जाएगा, वन की वैल्यू वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेम आ जाएगा, ठीक। आपको इधर सेम ऐसे ही आप नोट करते रहेंगे, ये इधर वाला ऐसे ही चलता है। अब बी, बी की वैल्यू हमने बायो सेवर्ट से ली थी ना, तो बी का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो देखिए वही चीज़ रखा गया है, बी की म्यू नॉट अपॉन फोर पाई
टू आई अपॉन आर रख दिया। अब डी एल, डी एल हमारा क्षेत्रफल है, कहाँ का क्षेत्रफल आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये डी एल हमारा, ये तो सर्कल है, ये सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल टू पाई आर होता है। तो डी एल, तो डी एल की जगह पर टू पाई आर रख दिया, ठीक। अब यहाँ से जो कैंसिल होगा काट दीजिए, जैसे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फोर पाई है टू पाई, तो नीचे टू बचेगा बस, और टू से टू कट जाएगा, म्यू नॉट आई बचेगा, तो व्यू बराबर म्यू नॉट आई, यही कंडीशन थी आपकी, प्रूव हो गया एम्पियर का नियम। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एम्पियर का परिपथ नियम है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, बस इतना ही दोस्तों। अब ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये 5 मार्क्स में यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में 100% आना ही आना है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो बहुत लंबी होगी दोस्तों, अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।